हे गाइस हेलो गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं और सो के उठते ही मैं निकल गया हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। घर के पास में ही एक तालाब है जहाँ गार्डन बन रहा है और मैं आ गया हूँ वहीं। और सुबह से ही कुछ स्टूडेंट लोग मिल गए थे मुझे, जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ के बच्चे यहाँ आए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। उन लोग मिल गए थे सुबह से, तो तालाब का एक राउंड चक्कर लगाने के बाद अब मैं निकलता हूँ घर, क्योंकि अब जाना है जल्दी से, पढ़ाई वगैरह भी स्टार्ट करना है। घर से निकले अब 40-45 मिनट होने को है। तो गाइस 9 बज गए हैं, अभी कुछ नाश्ता वगैरह कुछ कर लेते हैं, भूख भी लग गया, उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई करेंगे। एक कप प्रकाश के लिए। आलेक उठ के कहीं चला गया। सो गाइस अभी 10:30 होने वाले हैं और मुझे अब जल्दी से नहा धो के रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ स्कूल जहाँ मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। तो जल्दी से नहा धो के रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद जाऊँगा स्कूल। ओके गाइस 11 बज गया है, अब टाइम हो गया स्कूल जाने का और मैं हो चुका हूँ रेडी। बैग और पानी का बॉटल। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ अपने स्कूल के लिए पैदल, और मुझे अपने स्कूल पहुँचने के लिए लगभग 10 मिनट लग ही जाते हैं पैदल में भी। मेरा स्कूल का टाइम है 11 से 5 बजे तक, तो 5 बजे छुट्टी होता है, चलते हैं अब 5 बजे। तो गाइस शाम के 5 बज गए, स्कूल से हो चुका है छुट्टी और मैं आ रहा हूँ घर वापस अपने, बैग हाथ में पकड़ लिया हूँ अभी। तो आज स्कूल में क्लासेस का लास्ट डे था, इसके बाद सीधे एनुअल एग्जाम होने वाले हैं और एनुअल एग्जाम के बाद सीधे गर्मी की छुट्टी लगने वाली है।
छुट्टी के टाइम मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था आज, क्योंकि छठवीं सातवीं आठवीं क्लास के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ और दिन भर मेरा मतलब वहीं स्कूल में बच्चे लोग के साथ मौज मस्ती और पढ़ाई लिखाई भी हो जाता था मेरा, इसलिए थोड़ा सा मतलब जो बच्चे लोग हैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ उनको मैं, खास करके आठवीं क्लास के और छठवीं सातवीं सभी को मतलब। खैर अभी चलते हैं जल्दी से रूम क्योंकि भूख लग रहा है और मैगी बनाएंगे और मैगी खाएंगे जल्दी से और अपना पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करेंगे। ये मेरे फ्रेंड का किराना दुकान, यहाँ से हम लोग मैगी ले लेते हैं। मैगी दे दो, इप्पी नूडल्स लेते, चाट हो, चार पकड़ लेते हैं, दो खाएंगे दो रखते रहेंगे। चल बाय। गाइस मैं पहुंच गया अपने घर, अब जल्दी से फ्रेश होके मैगी बना लेते हैं क्योंकि भूख लग रहा है बहुत ज्यादा। दो मिनट में रेडी हो गया अपना मैगी, अब जल्दी से मैगी खाते हैं उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस अब तो मैगी भी खा लिया, थोड़ा सा टाइम है स्टडी का। तो ओके गाइस टाइम है वीडियो को एंड करने का एंड रात के 8 बज चुके हैं, तो मुझे खाना वाना भी बनाना है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।